बैंक गए तो मारे जाओगे। मॉर्निंग वॉक पर निकले तो लुट जाओगे। घर पहुंचने से पहले पिट जाओगे। दिल्ली में डरना जरूरी है। दिल्ली में डरना जरूरी है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उन लोगों के दिल की आवाज है जो घर से निकले तो सही सलामत थे, लेकिन सही सलामत वापस नहीं लौटे। कोई लुट गया, कोई पिट गया, तो कोई बन गया बेखौफ बदमाशों की गोली का निशाना। सच्ची घटना में आज देखिए दिल्ली में बेखौफ बदमाशों के कहर की डरावनी कहानी। दिल्ली में बैंक लुटेरों का कहर। 15 सेकंड में बंदूक छीनी। सेकंड में बंधक बनाया। पैतालीस सेकंड में मर्डर। 60 सेकंड में लाखों की लूट। बैंक गए तो मारे जाओगे। दिल्ली में डरना जरूरी है। एक बैंक में सरेआम लूटपाट करके दिल्ली पुलिस को खुलेआम चुनौती दे गए 6 बदमाश। हथियारों से लैस इन बदमाशों ने शुक्रवार को दिल्ली के कॉरपोरेशन बैंक को अपना निशाना बनाया। लुटेरे इस बात से बेखबर थे कि उनकी एक एक करतूत बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो रही थी। बैंक के अंदर अलग अलग कोने में लगे कई सीसीटीवी कैमरों में कैद है लाखों की लूट और बैंक कैशियर के मर्डर की ये सनसनीखेज वारदात। रोंगटे खड़े करने वाली इन तस्वीरों को बिल्कुल शुरू से देखने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि दिल्ली में लुटेरों के हौसले कितने बुलंद हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। बैंक का गार्ड अपनी बंदूक के साथ गेट के पास बैठा था, तभी गेट खुला और 3 नकाबपोश लुटेरे दनदनाते हुए अंदर घुस आए। तीनों ने गार्ड पर धावा बोल दिया और उसकी बंदूक छीनने लगे। पीली शर्ट वाला नकाबपोश बदमाश बंदूक छीनना चाहता था और बैंक का गार्ड उसका मुकाबला कर रहा था। लुटेरों ने देखते ही देखते बैंक में कोहराम मचा दिया। बैंक में मौजूद तमाम लोग सन्न रह गए। कैश काउंटर के सामने खड़े इस बुजुर्ग ने लुटेरों को रोकने की कोशिश की। ये लुटेरा गार्ड को छोड़कर बुजुर्ग पर झपट पड़ा। लुटेरे के हाथ में हथियार देखकर उसके पांव ठिठक गए। इस बीच लुटेरों के 3 और साथी बैंक के अंदर दाखिल हो गए। नीली टी शर्ट और हेलमेट वाले बदमाश ने भी बैंक के गार्ड को पीटना शुरू कर दिया। अकेला गार्ड भला 2-2 लुटेरों का कब तक मुकाबला कर पाता। सिर्फ 15 सेकंड के अंदर गार्ड की बंदूक पीली शर्ट वाले लुटेरे के हाथ में थी। गार्ड को निहत्था करने के बाद लुटेरों ने कुछ ही पल में वहां मौजूद सभी लोगों को एक कोने में इकट्ठा कर दिया। 6 में से 5 लुटेरों ने नकाब से अपने चेहरे ढक रखे थे। 5 में से 3 के चेहरों पर लाल नकाब थे। 2 लुटेरों ने सफेद कपड़े को नकाब बना रखा था और उनके 6ठे साथी यानी इस नीली टी शर्ट वाले लुटेरे ने हेलमेट के पीछे अपना चेहरा छुपा रखा था। हेलमेट वाले लुटेरे ने ही बैंक के गार्ड और वहां मौजूद दूसरे लोगों के ऊपर हथियार तान रखा था। उसने अपने दूसरे साथियों को फौरन बैंक के कैश काउंटर के पीछे जाने का हुक्म दिया।
इस बीच एक शख्स हाथ जोड़कर लुटेरों से रहम की भीख मांगने लगा, तो हेलमेट वाले लुटेरे ने उस शख्स को धक्का देकर पीछे की तरफ धकेल दिया। वहां खड़े एक दूसरे लुटेरे ने बैंक के निहत्थे गार्ड को काबू कर रखा था। हथियार बंद लुटेरों ने गार्ड और दूसरे लोगों को गोली मारने की धमकी देकर दीवार के पास बैठने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद दो लुटेरे गेट पर खड़े थे। एक लुटेरे ने कैश काउंटर के सामने पोजीशन ले रखी थी। ये हेलमेट वाला लुटेरा हथियार लहराकर सबको धमकियां दे रहा था और इनके बाकी साथी बैंक के उस इलाके में पहुंच चुके थे जहां कैश रखा होता है। कैश लूटने पहुंचे लुटेरों की काली करतूत रिकॉर्ड हुई है बैंक के कैमरा नंबर 6 में। आप गौर से देखिए, इस कैमरे में पहले आपको बैंक स्टाफ के लोग नजर आ रहे हैं जो लुटेरों से डरकर पीछे की तरफ चले गए थे। एक लुटेरा उनके पीछे पीछे बंदूक लहराते हुए पहुंच गया और फिर उसके साथी ने भी वहां पहुंचकर अपनी बंदूक तान दी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही लुटेरों ने बैंक स्टाफ को काबू कर लिया और बैंक में मौजूद करीब 3,15,000 रुपए लूट लिए। बैंक के कैशियर संतोष कुमार ने लुटेरों का विरोध करने की कोशिश की तो एक लुटेरे ने उन्हें गोली मार दी। देखते ही देखते 6 लुटेरों का ये गैंग दिल्ली के छावला इलाके में कॉरपोरेशन बैंक से लाखों रुपए लूटकर फरार हो गया। ये लुटेरे पीछे छोड़ गए कैशियर की लाश और दहशत की डरावनी कहानी। बैंक लूट की इस सनसनीखेज वारदात ने दिल्ली पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। बाइक सवार लुटेरे दिल्ली की गलियों में गुम हो चुके हैं और पुलिस सांप गुजरने के बाद लकीर पीट रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस को सीसीटीवी वीडियो के रूप में बैंक लूट की वारदात का बेहद अहम सबूत मिला है, लेकिन अभी तक पुलिस लुटेरों का सुराग लगाने में पूरी तरह नाकाम है। सच्ची घटना के लिए दिल्ली से अनिल बालियान के साथ विवेक शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में सरेआम हो रही लूटपाट की वारदातों को देखकर यही लगता है कि अपराधियों में दिल्ली पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में भी लूट की एक ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया। मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला बन गई लुटेरों का शिकार। सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात के इस वीडियो को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तारीख 12 अक्टूबर 2018, वक्त सुबह करीब 6:30 बजे, जगह दिल्ली का ब्रह्मपुरी इलाका। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप दिल्ली में मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले कई बार सोचेंगे। इन तस्वीरों में कैद है दिल्ली की डरावनी हकीकत। तस्वीरों में नजर आ रही ये दो महिलाएं मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकली थीं। दोनों बड़े आराम से बातें करते हुए ब्रह्मपुरी की गली नंबर 3 से गुजर रही थीं। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इलाका रिहायशी है और लोगों का लगातार आना जाना लगा हुआ है। जैसे ही महिलाएं गली में खड़ी कार को पार करती हैं, बाइक पर हेलमेट लगाए दो बदमाश वहां पहुंचे और बदमाशों ने दोनों महिलाओं को कार के आगे रोक लिया। बाइक पर पीछे बैठे बदमाश ने तमंचे के बल पर दोनों महिलाओं को डराना धमकाना शुरू कर दिया। ये देखिए बदमाश किस तरह से डरी सहमी महिला के गले की चेन झपटने लगा। बदमाश ने तमंचा दिखाकर हुक्म दिया कि चेन उतार कर चुपचाप उसके हवाले कर दे। महिला ने खुद ही अपने कांपते हाथों से गले से चेन उतारने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो चेन को खोल ही नहीं पा रही थी। इसी बीच उसकी साथी महिला मौके का फायदा उठाकर धीरे धीरे वहां से थोड़ी दूर चली गई। दूसरी महिला भी बेहद डरी हुई थी। दिल्ली की इस गली में जिस वक्त ये बदमाश सरेआम एक महिला के साथ लूटपाट कर रहे थे, तब वहां से एक रिक्शा भी गुजरा।
लेकिन महिला की मदद करने की बजाय रिक्शे पर बैठे दोनों शख्स चुपचाप वहां से निकल गए। इसके बाद हथियारबंद बदमाश ने खुद ही महिला के गले से चेन झपट ली। बदमाश महिला से उसके गहने लूट रहा था तो वहीं दूसरी महिला ने हिम्मत दिखाते हुए वहां से कुछ दूर जाकर गली में खड़े एक शख्स को मदद के लिए पुकारा। जैसे ही वो शख्स बदमाश की तरफ बढ़ा, हाथ में तमंचा लिए बदमाश ने दोनों की तरफ तमंचा घुमा दिया और दोनों को इशारे से दूर ही रहने की चेतावनी दी। डरी सहमी महिला ने एक एक करके सारे गहने बदमाश के हवाले कर दिए। बदमाश ने महिला के गले की चेन, अंगूठी और चूड़ियां सब ले ली और बड़े ही आराम से 9:02:11 हो गए। सीसीटीवी का ये वीडियो जारी होने के बाद पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन घंटों बाद भी इन लुटेरों का सुराग लगा पाने में नाकाम है पुलिस। बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक दिल्ली में बदमाश बेखौफ घूमते रहेंगे। सच्ची घटना के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और इन बेखौफ बदमाशों के सामने पूरी तरह पस्त नजर आ रही है पुलिस। दिल्ली में लुटेरों के कहर की कुछ और तस्वीरें हम आपको आगे दिखाएंगे। दिल्ली के पीतमपुरा में रहने वाले एक बुजुर्ग किसी काम से निकले थे। शाम के वक्त वो घर वापस लौट रहे थे। वो अपनी गली तक तो पहुंचे लेकिन घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाए। घर के सामने ही तीन बदमाशों ने उन पर धावा बोल दिया और सरेआम लूटपाट करके फरार हो गए। घर पहुंचने से पहले पिट जाओगे, दिल्ली में डर लगता है। जी हाँ, दिल्ली वालों के लिए इससे डरावनी बात भला क्या होगी कि वो अपने घर के सामने भी महफूज नहीं हैं। सीसीटीवी कैमरे की इन तस्वीरों को देखकर तो कम से कम यही लगता है। सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें दिल्ली में बेखौफ बदमाशों के कहर की कहानी बयां कर रही हैं। तस्वीरें पीतमपुरा इलाके की हैं। वहां एक सीनियर सिटीजन को कुछ बदमाशों ने उनके घर के सामने बना डाला अपना शिकार। ये डरावनी सच्ची घटना 3 दिन पहले की है। पीतमपुरा में रहने वाले ये बुजुर्ग किसी काम के लिए घर से निकले थे। रात करीब 9:30 बजे जब वो घर लौट रहे थे तो तीन बदमाश उनका पीछा करने लगे। 67 साल के ये बुजुर्ग जैसे ही अपने घर के सामने पहुंचे, बदमाशों ने उन पर पीछे से धावा बोल दिया। एक बदमाश ने अपनी बाहों का शिकंजा बनाकर बुजुर्ग का गला दबा दिया और दो बदमाश उनके साथ मारपीट करने लगे। बदमाशों ने बुजुर्ग की जेब से पर्स, मोबाइल और दूसरा सामान निकाल लिया। गुंडों ने इस सीनियर सिटीजन को तब तक पीटा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए। और फिर तीनों बदमाश 67 साल के बुजुर्ग को बेसुध हालत में छोड़कर वहां से निकल भागे। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने खुद को संभाला और जैसे तैसे उठकर अपने घर तक पहुंचे। दिल्ली में एक सीनियर सिटीजन ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।